जैसा कि हम सभी को पता है, आजकल मोबाइल्स में बहुत बड़े बड़े बैटरीज का यूज़ किया जाता है। 4000 AMAH से लेके 7000 AMAH की बैटरी आज हर एक मोबाइल में हमें देखने मिलते हैं। फिर भी जो है, हमें 1 से 1.5 दिनों से ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने नहीं मिलता। लेकिन क्या आने वाले दिनों में हमें कुछ ऐसे बैटरीज देखने मिलेंगी जिन्हें कभी जिंदगी में चार्ज ही ना करना पड़े? क्या यह पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। देखा जाए तो आज ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरीज यूज में है, और उसके बैटरी बैकअप के बारे में तो हम सभी को पता। लेकिन एक ऐसी भी बैटरी है जिसे डिस्चार्ज होने में सालों लग जाएंगे। तो आखिर इस बैटरी में ऐसा क्या है कि ये इतना लंबा चलता है? तो बेसिकली इस बैटरी में रेडियो एक्टिव ग्राफाइड का यूज़ होता है। रेडियो एक्टिव ग्राफाइड न्यूक्लियर पावर प्लांट में पावर जनरेशन के बाद बनने वाला वेस्ट मटेरियल है, जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। लेकिन बाद में जब इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि रेडियो एक्टिव ग्राफाइड और डायमंड के कार्बन स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो ग्राफाइड को प्योरीफाई करके नैनो डायमंड में कन्वर्ट करने के बाद यह एक ऐसी बैटरी में कन्वर्ट हो जाता है जिसे डिस्चार्ज होने में सालों लग जाते हैं। देखा जाए तो रेडियो एक्टिव ग्राफाइड में C14 कार्बन रेडियो आइसोटोप होता है, जो बाद में नाइट्रोजन, एंटी न्यूट्रिनो और चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली इसमें रेडिएशन को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और रेडियो एक्टिव ग्राफाइड में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि इससे बनाई गई बैटरीज को डिस्चार्ज होने में सालों लग जाते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी यह बैटरी डेवलपमेंट स्टेज में है, और अगर कभी फ्यूचर में ऐसी बैटरी आ भी जाए तो मुझे नहीं लगता यह बैटरीज मोबाइल्स और किसी भी हाउस होल्ड गैजेट्स में यूज होंगे। ज़्यादातर चांसेस है कि ऐसी बैटरी को इलेक्ट्रिक कार्स में यूज किया जाए। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।